नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका नववर्ष 2018 के विशेष राशि फल के कार्यक्रम में। राशि वृष के जातक, आज हम हाजिर हुए हैं सिर्फ आपके भविष्य को लेकर के, जो 2018 में रहने वाली है उनकी परिस्थितियों के वर्णन के लिए। सावधान होकर के अपने 2018 में आने वाले अच्छे और बुरे परिस्थितियों को सुने और अपने जीवन में उनका अनुसरण करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और 2018 आप सुख समृद्धियों से भरपूर करके व्यतीत कर पाएंगे। कैसा रहेगा, सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। कैसा रहने वाला है 2018 में आपका स्वास्थ्य? शुरुआती समय में 2018 में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पर आते आते मध्य में निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आएंगी। जब भी स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें उत्पन्न हो तो आपको क्या करना होगा, दुर्गा जी के चरणों में 7 दिन तक लगातार, जैसे ही आपको लगे कि मेरे स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, दुर्गा जी के श्री चरणों में ले जा करके एक अनार का फल 7 दिन लगातार चढ़ाइएगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कुटुंब का माहौल किस प्रकार रहेगा। पारिवारिक माहौल निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के कुछ सदस्य हैं जो शुरुआती वर्ष में आपसे चिंतित होंगे या आप पर बहुत अच्छी तरह से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आगे जा करके निश्चित रूप से उनका विश्वास आपके ऊपर कायम होगा और पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। हम बात करें यदि आत्मविश्वास को लेकर के, तो 2018 में आपका आत्मविश्वास बेहतर रहेगा। जो लोग राजनैतिक क्षेत्र में हैं 2018 उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। राशि वृष के जातक के लिए पब्लिक का पूरा समर्थन आपको मिलेगा, पब्लिक का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, जो सीनियर लीडर हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट कम मिलने के चांसेस है। सीनियर लीडर आपके कार्य से असंतुष्टि व्यक्त करेंगे, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनकी भी संतुष्टि आपको प्राप्त होगी और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। बात करें राशि वृष के जातक का विद्या अध्ययन किस प्रकार रहने वाला है। विद्या अध्ययन के लिए 2018 आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं विद्या अध्ययन के लिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध भी 2018 में अच्छे रहेंगे, भाग्य पूरी तरह आपके साथ रहेगा, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं 2018 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। जो कार्य आज बनने वाला है उस कार्य में निश्चित रूप से 10 दिन का, या बात करें जो कार्य आज बनने वाला है वो कल पर टलेगा, कार्य में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। क्या करना होगा आपको, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड सबसे पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, इस चौपाई का पूरे वर्ष निरंतर पाठ करना है। यह आपके लिए एक गुरु मंत्र है, पहले दिन से प्रारंभ करके और 2018 पूरा करना है। रोज सिर्फ 5 बार कीजिएगा। जिस भी कार्य के लिए आप निकलेंगे निश्चित रूप से उस कार्य में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, प्रत्येक सफलता आपको प्राप्ति होगी, भाग्य पूरी तरह आपके साथ रहेगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, नया व्यापार यदि प्रारंभ करना चाहते हैं 2018 में, तो आपको क्या करना होगा, पत्नी से धन लेकर के उस व्यापार में जरूर लगाइएगा, आपको व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से मन आपका 2018 में चिंतित रहेगा, संतान को लेकर के आप परेशान रहेंगे। उस परेशानी को दूर करने का सबसे बेहतर मार्ग होगा कि घर में जो पानी आप लोग यूज करते हैं, जो पानी पीते हैं, उस पानी में गंगा जल का मिश्रण करेंगे, उससे संतान की तरफ से जो आपकी चिंताएं हो रही हैं वो चिंताएं निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएंगी। एक चीज़ जो इस वर्ष में थोड़ी सी कहीं दिक्कत देने वाली है, वो चीज़ें हैं आपका परिवार के जो दूर के सदस्य हैं उनके साथ आपका संबंध, उनके साथ कहीं ना कहीं आपके संबंधों में स्टार्टिंग में ही खटास उत्पन्न होगी। उस खटास को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी खटास उत्पन्न होने की संभावना बने तो आप 5 मिनट 11 दिन तक लगातार बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर लिया करें, उससे आपका पारिवारिक खटास निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। 2018 अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। भगवान की आराधना के साथ 2018 प्रारंभ करें और उसके भगवान की आराधना के साथ व्यतीत करें, निश्चित रूप से अगले 2018 बहुत अच्छा जाएगा, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। 2018 के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।